अल्कोहल का रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है सर। बेटा बेसिक रिएक्शन तो ये रहता है कि हम लोगों के पास में क्या होगा, आर ओ एच होगा, हम लोग रिएक्शन किससे करेंगे, एच एक्स के साथ में, तो क्या बनता है, आर एक्स बनता है, प्लस क्या निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, ठीक है। H2. तुम लोगों को ये पता है कि अल्कोहल के पास जो ओ एच ग्रुप होता है, दैट इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप, है ना। ओ एच जो होता है वो गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता, तो उसको हम लोग एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं। पहले एच प्लस देके उससे वाटर एलिमिनेट कराते हैं, लिविंग ग्रुप बनाते हैं उसको, गुड लिविंग ग्रुप, है ना, रिएक्शन कराने के बाद में एच प्लस से, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है बेटा, अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग डील करें तो बेसिक है कि जो एच एक्स होगा वो क्या करेगा बेटा, एच प्लस देगा और प्लस में क्या जाएगा, एक्स माइनस, ठीक है। हम लोगों के पास क्या होगा बेटा, आर ओ एच होता है, वो किसके साथ में रिएक्शन करता है, एच प्लस के साथ में, क्या बनता है, आर ओ एच टू प्लस। समझ आता है यहाँ तक सभी को, क्या बनता है, आर ओ एच टू प्लस बनता है। आर ओ एच टू प्लस जैसे ही बनेगा तो बेटा क्या होगा, आर प्लस और एच टू, यानी एच टू ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, आर प्लस और एच टू ओ में कन्वर्ट होने वाला, ये स्टेप क्या होता है बेटा, दिस इज द आरडीएस ऑफ द रिएक्शन, ये क्या होता है, आरडीएस ऑफ द रिएक्शन होता है, डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। फाइनली क्या होता है, आर प्लस के साथ में कौन रिएक्शन कर लेते हैं, आर प्लस के साथ में एक्स माइनस रिएक्शन करके आर एक्स बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, कार्बोकैटायन बनता है रिएक्शन में, कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी होगा, समझा रहे कि नहीं आ रहे, एच एक्स अगर हम लोग ऐड करवाएंगे, एच एक्स का रिएक्शन अल्कोहल से हम एच एक्स का रिएक्शन करवाएंगे, तो अगर एक्स माइनस जाके ऐड होगा ओ एच की जगह पे, तो आपका रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट के बाद में जाके ऐड कराएंगे हम लोग, पहले कार्बोकैटायन बनेगा तो उसको ज्यादा स्टेबल कराएंगे, ठीक है ना, समझ आ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो आरडीएस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो रेट जो होगा वो किस पे डिपेंड करता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म, जो कार्बोकैटायन बनता है उसके स्टेबिलिटी पे क्या डिपेंड करता है बेटा, रेट डिपेंड करता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन फॉर्म, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, उतना ज्यादा रेट होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट के बाद में हम लोग कार्बोकैटायन बनाएंगे, ठीक है। तो अगर मेरे पास में कार्बोकैटायन है तो हम लोग बता सकते हैं हम लोग आर पे कैसे डिपेंड करेगा, तो 3 डिग्री आर होगा ज्यादा रिएक्टिव होगा, 2 डिग्री कम रिएक्टिव होगा, 1 डिग्री होगा और कम रिएक्टिव होगा। एच एक्स से रिएक्शन मतलब एच सी एल से पहले भी करा चुके ना, लीपाज टेस्ट वाला, यस है ना, तो एच सी एल से ही करा रहे हैं। एक बात वही समझ लो, रिएक्टिविटी ऑर्डर करा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वही ऑर्डर होता था, वहां पे भी कार्बोकैटायन बनता था, सेम रिएक्शन है, ठीक है। बट अगर मैं एच एक्स में रिएक्टिविटी की बात करूं, एच एक्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है, तो एच एक्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर किस पर डिपेंड करेगा, एसिडिक नेचर पे, ज्यादा आसानी से एच प्लस देगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो आसानी से एच प्लस कौन देता है बेटा, एच आई, एच आई से कम रिएक्टिव कौन होगा बेटा, एच बी आर, उससे कम रिएक्टिव कौन होगा बेटा, एच सी एल, और सबसे कम रिएक्टिव होता है एच एफ, सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है बेटा, एच एफ, ठीक है ना। अगर मैं सिंपल बात करूं तो एच एफ जो होता है एक्चुअल में रिएक्शन नहीं देता, एक्चुअल में एच एफ का रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एच और एफ के बीच का बॉन्ड कैसा रहता है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, टूटता ही नहीं है, ठीक है। करवाओगे तो तुम लोगों को साथ में जेड एंड सी एल टू यूज करना पड़ता है, एच सी एल का रिएक्शन कराने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, जेड एंड सी एल टू यूज करते हैं ना, हाइड्रस जेड एंड सी एल टू, तभी तो लिपाज टेस्ट में काम आया था। अगर हम लोग एच वी आर का रिएक्शन करवाएंगे बेटा, एच वी आर का रिएक्शन करवाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वी यूज एच टी एस ऊपर, और एच आई का रिएक्शन कराने के लिए ये अपने आप से बेटा यूज रिएक्शन कर लेता है, इसके लिए कोई कैटालिस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है, नो कैटालिस्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो मोस्ट यानी जो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा वो कौन देता है, एच आई, समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो बेसिक रिएक्शन है, समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिक रिएक्शन है। जैसे मेरे पास ऐसा कुछ होता, मैं तुम लोगों से बोलूं, हम लोगों के पास में क्या बेटा, CH3 CH2 CH2OH, ऐसा कुछ है, इसका रिएक्शन तुम लोग किसके साथ में करा, एच आई के साथ में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका रिएक्शन एच आई के साथ में करा होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ पे आएगा बेटा आई और यहाँ हो जाएगा CH3, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इस रिएक्शन में पहले क्या बनेगा बेटा, पहले इस रिएक्शन में क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा CH3 CH2 CH2 प्लस,
इट इज 1 डिग्री कार्बोकटाइन। इसका क्या कराओगे आप लोग? रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट करा के इसको किसमें कन्वर्ट कर लोगे? CH3 CH+ CH3। अब रीअरेंजमेंट के बाद में कौन रिएक्शन करेगा इसके साथ में? I-। तो अगर कोई कार्बोकटाइन बनेगा तो उसका रीअरेंजमेंट कैसा होता है बेटा? रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, हम लोग पहले रीअरेंजमेंट कराएंगे उसके बाद में रिएक्शन होगा। यहां तक क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? ठीक है, जैसे मैं ऐसा कुछ लिखा होता, मेरे पास ऐसा कुछ होता, मैंने बोला कि इसमें रिएक्शन कराओ बेटा, हम लोगों के पास ऐसा कुछ है, यहाँ पे लगा हुआ है आयोडीन, यहाँ पे लगा हुआ है OH। अब मानो तुम लोगों से इसका बोला HI का रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो OH की जगह पे आयोडीन लगेगा। तो बेटा यहाँ पे क्या करोगे, पहले कार्बोकटाइन बनाओ। कार्बोकटाइन कैसा बनेगा बेटा? देखो ऐसा कुछ, अभी देखो कितने मेंबर करेंगे, 5 मेंबर करेंगे। 5 मेंबर के जस्ट बाहर कौन सा पॉजिटिव चार्ज? रिंग एक्सटेंशन हो जाएगा। तो पहले तो किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? ये 6 मेंबर करेंगे। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, और एक यहाँ मिथाइल लगा हुआ है। क्या अभी ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है? नहीं बेटा, अभी भी इसको हम लोग रीअरेंज करा के कहाँ लेके जा सकते हैं? हम लोग इसको रीअरेंज करा के यहाँ लेके जा सकते हैं। अभी मोस्ट स्टेबल हुआ, पहले रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होके वो अपने आप में कैसा बनेगा? मोस्ट स्टेबल बनेगा। स्टेबल बनने के बाद में अब यहाँ पे आके किसका अटैक हो बेटा? यहाँ पे I- के साथ में रिएक्शन करेगा, और I- के साथ में रिएक्शन करके द प्रोडक्ट फेज दे। ठीक है, तो रिएक्शन सिंपल है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसको समझने में? ठीक है बेटा, बेसिक रिएक्शन है। ठीक है ना, तो एल्कोहल के साथ में HI का रिएक्शन हम लोग कराएं या फिर HX का कराएं, तो वो समझ में आ रहा है सभी को? कुछ बजा तो नहीं ऊपर कॉपी करने के लिए? एक सेकंड सर, पूरा कॉपी कर लिए? समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विद डाई ऑल्स। अगर हम लोग HI का रिएक्शन लोग किसके साथ में कराएं बेटा? डाई ऑल्स के साथ में, दो OH लगे हों। ठीक है ना, जैसे मेरे पास में क्या होता है, मेरे पास में CH2, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? OH। यहाँ पे क्या है बेटा? CH2। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? OH। इसका अगर हम लोग रिएक्शन किससे करा दिए होते? HI से। ठीक है, तो बड़ा रिएक्शन तो बेसिक है, पहले I- क्या करेगा? OH को रिप्लेस कर देगा। हाँ कि ना, ऐसे ही होगा ना, वाटर एलिमिनेट करा देंगे। वाटर एलिमिनेट करा के प्रोडक्ट क्या बना लेंगे हम लोग? CH2। इधर क्या आएगा? I। यहाँ क्या होगा बेटा? CH2। और यहाँ पे भी क्या होगा? I। ठीक है बेटा, देखो एक सिंपल सा बात ये होता है कि अगर I पड़ोसी ग्रुप हो, ये बल्कि ग्रुप है, इनमें क्या होता है? स्टेरिक रिपल्शन। ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है हमेशा? इट इज कन्वर्टेड टू एल्कीन एंड I2 रिलीज होता है। हमेशा याद रखना कि अगर दो पड़ोसी कार्बन पे क्या हो? आयोडीन हो, और कोई हेलोजन होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, अगर कोई क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर दो पड़ोसी कार्बन का आयोडीन हो तो वो हमेशा क्या होता है? I2 लिबरेट करके एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एल्कीन ये बनेगा बेटा, एल्कीन बना, और HI हम लोगों के पास फिर भी है बेटा, है कि नहीं है? एल्कीन बना, HI तो होगा, है ना? अगर HI हम लोग 1 मोल यूज करते, 1 इक्विवेलेंट, तो एल्कीन का काम चल जाता, एल्कीन विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। अगर HI हम लोगों के पास में कैसा रहेगा एक्सेस में, तो एल्कीन जो बना उसके साथ में भी HI रिएक्शन करेगा। HI रिएक्शन करके क्या बना देगा बेटा इसको? CH3 CH2 I। तो यहाँ पे बेटा सिंपल सा प्रोडक्ट बनता है, CH3 CH2 I। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत किसी को इसको समझने में? ठीक है ना, ऐसा ही हम लोग ऐड किया, कौन सा रूल के अकॉर्डिंग बेटा? मार्कोव न्यूकोव रूल के अकॉर्डिंग। अभी तो यहाँ तो कुछ सिंपल है, दोनों तरफ में कहीं पे भी ऐड कर लो, इन जनरल मार्कोव न्यूकोव रूल के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं, या फिर वहां पे भी वही रिएक्शन होता है कि कार्बोकैटायन बनता है। H+ का अटैक डबल बॉन्ड पे होता है, कार्बोकैटायन बनता है, जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसको बनाएंगे, ऐसे ही करते थे ना? जो कार्बोकैटायन कैसा होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, उस कार्बोकैटायन को बनाते थे हमेशा। ठीक है, डायोड्स के साथ में रिएक्शन समझ में आया बेटा? अगर ऐसा कुछ होता हम लोगों के पास, देखो CH2
यहाँ पे होता सी एस टू, यहाँ होता सी एस टू, यहाँ होता यहाँ पे होता हम लोगों के पास ओ एच और यहाँ होता ओएच, तो बट यहाँ कुछ भी नहीं होता। यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो हम लोगों को क्या मिलता है अगर हम लोग एच आई के साथ में रिएक्शन कराएं, तो ये समझना कि हम लोगों के पास क्या है बेटा, ग्लाइकॉल है, एथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल के साथ में रिएक्शन, एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये ऐसा प्रोडक्ट मिलता है। बाकी रिएक्शन सिंपल है, बाकी रिएक्शन सिंपल, एच आई के साथ में रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा बेटा, सी एस टू आई, यहाँ पे क्या है सी एस टू और यहाँ पे क्या रहेगा सी एस टू, बाकी कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना, बाकी रिएक्शन सिंपल है। अगर पड़ोसी दो एटम पे आयोडीन आ जाए, पड़ोसी कार्बन एटम पे, ठीक है ना, सिमिलरली हम लोग ट्राइऑल्स के साथ में रिएक्शन करा लेते हैं बेटा, सिमिलरली लोग किस साथ में कराते हैं ट्राइऑल्स के साथ में, ऐसा मेरे पास होता है बेटा सी एच टू सी एच, यहाँ पे होता है सी एच टू तो एस यहाँ पे लगा है, इसको क्या बोलते हैं ग्लिसरॉल बोलते हैं बेटा, हाँ या ना, इसका रिएक्शन हम लोग अगर एच आई के साथ में कराएंगे, एच आई के साथ में रिएक्शन करने पर क्या बनेगा, एच आई के साथ में रिएक्शन करने पर सबसे पहले तो बेटा क्या होगा, सभी जितने भी ओ एस थे वो क्या हो जाएंगे बेटा, उनकी जगह पे आई आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक आयोडीन, दूसरा आयोडीन इधर और तीसरा आयोडीन यहाँ पे आ गया, ऐसे कुछ होगा कि नहीं होगा। अब क्या होगा बेटा, आयोडीन पड़ोसी पे है तो क्या कर देंगे बेटा, आयोडीन अगर पड़ोसी पे तो क्या रिलीज कर देंगे, आई टू रिलीज हो जाएगा, तो तीन में से कोई दो आई टू निकाल लेगा, अब यहाँ से निकालो या नीचे से निकालो क्या बनेगा, फिर से सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू और आई तो बेटा रहेगा एक, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है बेटा यहाँ तक क्लियर है, मैं क्या बोला अभी, एच आई है कि नहीं कंटेनर में बेटा, एच आई तो उसका में फिर भी रिएक्शन करेगा, एच आई फर्दर रिएक्शन करेगा, एच आई रिएक्शन करके क्या बना देगा इसको, कौन सा रूल के अकॉर्डिंग बेटा, कौन सा रूल फॉलो करोगे, मार्क रूल आई माइनस कहाँ पे जाके ऐड होगा, उस कार्बन के पास जिसके पास में कम हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो इसके पास जाके ऐड हो जाएगा सेकेंडरी वाले के पास में, हाँ या ना, इसके पास जाके ऐड होगा कि नहीं होगा, किसी के पास जाके ऐड होगा, इसी के पास जाके ऐड होगा तो क्या बनेगा हम लोगों के पास बेटा, ये आ जाएगा सी एस थ्री, यहाँ होगा सी एच, यहाँ पे आयोडीन हो जाएगा बेटा, यहाँ पे है सी एस टू, यहाँ पे आ जाएगा आयोडीन, अब ये आ गया, यहाँ से फिर से क्या निकलेगा, फिर से आई टू निकलेगा, फिर से क्या निकलेगा, फिर से I2 निकलेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू, ये बनेगा ना, और क्या निकल जाएगा I2 निकल जाएगा, इसके साथ में फिर से कौन रिएक्शन करेगा, इसका एच आई का रिएक्शन होगा बेटा, एच आई का रिएक्शन होकर क्या बनेगा सी एस थ्री सी एच, यहाँ पे I और यहाँ पे क्या होगा बेटा सी एस टू, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। मोनो आयोडाइड भी बनता है, क्या बनता है बेटा, मोनो आयोडाइड ही बनते हैं, लेकिन रिएक्शन जो हुआ वो कई स्टेप्स में हुआ, और यहाँ पे एच आई कैसा चाहिए हम लोगों को बेटा, एच आई कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी इन एक्सेस, अगर एक्सेस में नहीं होगा, अगर लिमिटेड है तो हम लोग क्या मानेंगे, फिर यही तक रुक जाता रिएक्शन, आई क्यू तो एलिमेंट हम लोग करा ही देते हैं और सिर्फ यही बनता है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, एक्चुअल में मोनो आयोडाइड भी बनता है, ग्लिसरॉल में भी, ग्लिसरॉल में भी यही बनता है, ठीक है ना, ग्लिसरॉल में भी मोनो आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन रिएक्शन पहले आयोडाइड था, फिर एल्कीन बना, फिर आई ऐड हुआ, फिर एल्कीन बना, फिर से आयोडीन ऐड हुआ, ठीक है ना, बस ये स्टेप्स बढ़ गए, यहां तक कॉपी करो इतना सब लोग। कॉपी कर लिए सर ये सब? यस सर। नहीं किए? कर लिए सर। हम लोगों ने किया बेटा जो ऑनलाइन है सब? यस सर। हो गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की हम लोग कुछ बातें कर रहे थे उसमें, नेक्स्ट लिखो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन जानते हो आप लोग, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, एलिमिनेशन ऑफ एच टू, बट एच टू एलिमिनेट करा देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन, ठीक है। देखिए सर, अगर हम लोगों के पास कोई भी अल्कोहल है, हम लोगों के पास में क्या है कोई भी अल्कोहल, इसका डिहाइड्रेशन दो तरीके से होता है, होता तीन तरीके से, बेसिक दो रिएक्शन, ठीक है ना, ये तुम्हें पढ़ना है। डिहाइड्रेशन बेटा इसका दो तरीके से होगा,
डिहाइड्रेशन कराने के लिए लोग इसको क्या करते हैं बेटा, H2SO4 की बीएस में हीट करते हैं, किसके बीएस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, जब ये डिहाइड्रेशन करवाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बीएस में हीट करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बीएस में हीट करने पे एक रिएक्शन होता है बेटा 140 डिग्री सेल्सियस पे और एक होता है 170 डिग्री सेल्सियस पे, मोर देन 140 और एक 140 अराउंड। ठीक है ना, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रिएक्शन। अब 140 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन आप लोग कराएंगे, कौन से पे बेटा, 140 डिग्री सेल्सियस पे। 140 डिग्री सेल्सियस पे जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, ROR, एक सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोलता हूँ। और अगर 170 पे कराओगे तो क्या बनता है बेटा, एक एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। एल्कीन का फॉर्मेशन जो होता है वो सबसे पहला रिएक्शन करवाए थे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कार्बो का टाइम में, अगर तुम लोगों को याद हो तो, जब जीओसी हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किए थे तो उसमें हम लोग करवाए थे पहला रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ कार्बो का टाइम, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से कार्बो का टाइम बन जाता है, करवाए थे कि नहीं, भूल गए, है ना, सबसे कराए थे, है ना। तो बेटा सबसे एक रिएक्शन हम लोग करा चुके हैं, अभी ये रिएक्शन डील कर लेंगे, 140 पे कराएंगे तो ईथर बनता है। ईथर कैसा बनेगा बेटा, सिमेट्रिकल ईथर बनता है, ऑलवेज और सिमेट्रिकल ईथर इज फॉर्म। ठीक है ना, इस रिएक्शन का अगर हम लोग मैकेनिज्म डील करें, मतलब अगर मैं सिंपल तरीके से अच्छा लिख दूं, मेरे पास में होता बेटा CH3CH2OH होता। अगर CH3CH2OH को तुम लोग 140 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीट किए होते तो बनता CH3CH2CH2CH3, एक ईथर बनेगा वो भी सिमेट्रिकल। और अगर हम लोग इसको 170 पे डील किए होते बेटा, ठीक है, 170 डिग्री सेल्सियस हम लोग इसको डील किए होते, वो इस सेम रिएक्शन H प्लस के बीएस में, तो यहाँ क्या बनता है बेटा, यहाँ बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन बनता है। और दोनों ही केस में क्या होता है, वाटर एलिमिनेट होता है, यहाँ वाटर एलिमिनेट होता है एक मॉलिक्यूल से, यहाँ वाटर एलिमिनेट होता है दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल से। ठीक है, तो इथर बनेगा तो दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल यूज होगा। एल्कीन तो बेटा डबल बॉन्ड लगेगा, वो डिपेंड करेगा, सटजस एल्कीन बनाते थे जो भी बन जाए, ठीक है ना, सटजस एल्कीन बनाते थे, वो डिपेंड करेगा कौन सा वाला बन सकता है। लेकिन इथर जरूर कैसा बनेगा, सिमेट्रिकल ही बन जाए। ठीक है, बट अगर इस रिएक्शन को हम लोग 140 डिग्री सेल्सियस पे कराए, एट 140 पे हम लोग इसका अगर मैकेनिज्म डील करें तो कैसा रहता है, सबसे पहला तो वही कि हम लोग H2SO4 लेते थे बेटा, वो H प्लस दे देगा, देगा कि नहीं। अब H प्लस क्या करेगा, इस एल्कोहल के साथ में रिएक्शन कर लेता है, मैं इसको ROH लिख लेता हूँ सिंपल, हम लोगों के पास में क्या होगा ROH, उसके साथ में रिएक्शन कौन कर लेता है बेटा, H प्लस। ठीक है, ROH के साथ में H प्लस रिएक्शन करता है और क्या बनता है बेटा, ROH2+ का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ROH2+ का, पहले स्टेप में, ठीक है ना, ये बेटा स्टेप वन में ROH2 का फॉर्मेशन होता है। स्टेप टू में क्या होता है कि हम लोगों के पास ROH था, दूसरा एक और एल्कोहल होगा, दो मोल यूज करेंगे ना, अरे हाँ या ना, कितना मोल यूज करें इस रिएक्शन के लिए, एक मोल या दो मोल, दो मोल यूज करेंगे, तो बेटा ROH के साथ में किसका रिएक्शन हो जाएगा, ROH2। ये बेटा किस पर अटैक करेगा, इस पे, और ये वाला बॉन्ड कॉन्सेप्ट कर जाता है इसका रिएक्शन में। ठीक है, तो क्या बना, आर ओ, इससे प्लस चार्ज, यहाँ पे एक एच, इधर एक दूसरा आर होगा बेटा, और क्या निकल जाएगा, वाटर। देखो सर एक बात समझना, कि इस रिएक्शन में कार्बो का टाइम नहीं बनता है, अगर कार्बो का टाइम गलत इसे बना दिया तो सिमेट्रिकल ईथर नहीं बन सकता कैसे भी, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ या ना, नहीं आया तो समझ, इस रिएक्शन में कार्बो का बताएंगे अभी एक सेकंड ना। तो बेटा पहले क्या होगा, OH2 ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर होता है, जब ये मतलब यहाँ पे पहले अटैक कर लेता है, तो हम लोगों के पास क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ। और स्टेप थर्ड में क्या होगा बेटा, जो H प्लस था वो डीप, ये जो है हम लोगों के पास मॉलिक्यूल बना, स्टेप सेकंड से प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो ईथर बन रहा है वो क्या करेगा बेटा, डी प्रोटोनेट करेगा और क्या बना देगा बेटा, ROR और H प्लस निकल जाएगा। तो ये जो ईथर बना वो कैसा रहता है, सिमेट्रिकल, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन में नो कार्बो कटायन फॉर्मेशन, नो कार्बो कटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस,
बट इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होता. सो नो रीअरेंजमेंट. कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो इस रिएक्शन में कोई भी रीअरेंजमेंट हम लोग नहीं करा देंगे. ठीक है ना? Yes. समझ आ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो एक बार सोचो, मान लो तुम लोगों के पास ऐसा होता तो CH3 CH2 CH2 OH. ठीक है, अब तुम लोग इसमें क्या कर दिया, गलती से कार्बोकैटायन बना दिया. दो स्टेप, दो मोल लिए होंगे इसका. अब क्या किया बेटा, एक मोल को यूज करा के पहले क्या बनाओगे तुम लोग, CH3 CH2 CH2 OH2+ ये बनाओगे कि नहीं? अरे हाँ या ना, H प्लस का रिएक्शन करने के बाद में इसका रिएक्शन किसके साथ में होगा, H प्लस के साथ में, यही बनेगा. और तुम लोग क्या किया, अगर यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करा दिए, क्या होगा, ये एलिमिनेट करा दिए तो क्या बनेगा बेटा, फिर CH3 CH2 CH2+. अब ये बना, रिअरेंजमेंट भी करेगा फिर ये. अगर क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा तो रिअरेंजमेंट करेगा कि नहीं बनेगा, करेगा करेगा बेटा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब रीअरेंजमेंट करेगा तो पहले रीअरेंज कर लेगा ये अपने आप को, ऐसा कुछ हो जाएगा, पहले रीअरेंज कर लेगा अपने आप को, फिर रिएक्शन होगा, है ना? पहले रीअरेंज कर लेगा, अब रीअरेंज कर लेगा तब ये फिर दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा उसके साथ में रिएक्शन कर पाएगा ना, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी बेटा. अगर तुम लोग सोचो कार्बोकैटायन बना ले या फिर रिएक्शन को कराए, तो ये कार्बन जाके ऐड होगा इधर ओपे, हाँ या ना, ये कार्बन जाके ऐड होगा तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट आएगा कैसा, CH3 CH2 CH2 O, यहाँ पे CS, इधर होगा एक CH3 और इधर होगा एक CH3. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो गलती से भी इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन मत बनाना, कार्बोकैटायन नहीं बनता, सिमेट्रिकली इसका फॉर्मेशन होगा. ये स्टेप से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने से पहले क्या कर लेता, दूसरा मॉलिक्यूल जिसके साथ में रिएक्शन कर लेते, तब जाके वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेट होगा. ठीक है, यहाँ तक समझ गया मैं क्या बोला? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, इसको समझ में बेटा? कॉपी कर लो. अच्छा, ये पीछे वाला कॉपी करना. इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, या हम लोगों के पास OH लगा हुआ है या OH, इसका अनुरेक्शन करवा दिया PI 3 के साथ में, PI 5 के साथ. इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ बेटा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर दोनों OH हट के यहाँ पर, जहां पर OH लगे हुए वहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा. क्या अगर दोनों OH को हटा के हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा. देखो पहले आयोडीन आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आयोडीन आएगा. अब आयोडीन बेटा अगर पड़ोसी ग्रुप पे तो क्या बना देता है, एल्कीन, ऐसे है ना? अगर आयोडीन पड़ोसी कार्बन पे लगा हुआ तो क्या बनेगा, एल्कीन, और क्या निकल जाएगा, I2 निकल जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, एसएन रिएक्शंस ऑन ईथर्स. क्या लिखा बेटा, एसएन रिएक्शंस ऑन ईथर्स लिख दिए हेडिंग, एसएन रिएक्शन ऑन ईथर्स. ठीक है बेटा, देखो ईथर्स का रिएक्शन भी जो होगा, अगर हम लोग एसएन रिएक्शन की बात करें ईथर्स पे, एसिडिक मीडियम में होता है. ठीक है, एसएन हम लोग किस पे कराएंगे बेटा, ऑन ईथर.
ईथर जानते हो बेटा तुम लोग क्या होता है? आर ओ आर, आर ओ आर, ठीक है ना। तो वैसे भी हम लोग अगर समझे तो ओ आर माइनस जो होता है दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। ओ आर माइनस कैसा होता है बेटा? गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता। ओ आर माइनस इज ऑल्सो नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या कराते हैं, पहले इनको एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं एसिड से। जो एसिड से ट्रीट कराओगे तो क्या बन जाएगा बेटा? आर ओ प्लस एच आर। हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं आर ओ एच। अब आर ओ एच तो गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इनको भी पहले हम लोग एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं, एच प्लस से ट्रीट कराते हैं सबसे पहले। एच प्लस से ट्रीट कराने के बाद में जो आर ओ एच होगा वो लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाता है, ठीक है ना। ये लिविंग ग्रुप बनेगा, ऐसा रिएक्शन करा रहा। तो बेटा ओ आर किसी को निकालेंगे ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ आ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग? बेटा ओ आर माइनस ना निकाल के क्या निकाल के इसके अंदर से आर ओ एच निकलना बेटर रहता है। तुम लोग पहले इसको एसिडिक मीडियम में डील करेंगे तब जाके रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो लिखो रिएक्शन विद एच एक्स या फिर एच आई। ऐसा रिएक्शन को दो रिएक्शन पढ़ते हैं, एक वॉटर के साथ में और एक एच आई के साथ में। दोनों रिएक्शन एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर, ठीक है ना। तो लिखोगे रिएक्शन विद एच आई, रिएक्शन विद एच आई। क्या लिखोगे बेटा? रिएक्शन विद एच आई। एच आई के साथ में रिएक्शन कैसे होगा? रिएक्शन विद एच आई, ठीक है। हम लोगों के पास क्या होगा बेटा? आर ओ आर। अगर तुम लोग रिएक्शन करवाओगे एच आई के साथ में, आर ओ आर डैश का रिएक्शन किससे कराए हम लोग? एच आई से बेटा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट इज आर ओ एच प्लस आर आई। क्या बनेगा बेटा? आर ओ एच प्लस आर डैश आई, ऐसा कुछ बन जाता है, ठीक है। एक मतलब किसी के पास में ज्यादा कारण हो सकते हैं, किसी के पास कम हो सकते हैं, ये बात कर रहे हैं हम लोग, नहीं समझे। सी एस थ्री ओ सी एस थ्री हो सकता है, सी एस थ्री सी एस टू ओ सी एस थ्री, तो इधर हो सकता है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात कर रहा हूँ, इट में भी सिमेट्रिकल इट में भी अनसिमेट्रिकल, ठीक है ना। वो बात करेंगे, वो किसके पास लगेगा उसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आर डैश जो लगेगा वो किसके पास लगेगा, ठीक है। देखो अगर हम लोगों के पास में आर ओ आर डैश है और हम लोग इसका रिएक्शन किसके साथ में कराए बेटा? एच आई। और एच आई हम लोगों ने कैसा लिया? एक्सेस में। जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है बेटा? आर आई बनता है प्लस आर डैश आई बनता है, दोनों ही बनते हैं, ठीक है ना। दोनों ही आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि अल्कोहल बना, आर ओ एच बनेगा, आर ओ एच बना होगा, लेकिन आर ओ एच के साथ में कौन रिएक्शन कर लेगा बेटा? एच आई तो फिर भी होगा ना कंटेनर में, आया ना। तो बेटा yes. क्या बना देगा? उसको भी आर आई में कन्वर्ट कर देगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आर ओ एच बनेगा लेकिन एच आई उसका रिएक्शन करके उसको भी किसमें कन्वर्ट कर देगा? आर आई में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। देखो अगर दोनों तरफ आर हम लोगों के पास वन डिग्री है, बट बोथ जो आर एंड आर डैश कैसा है बेटा हम लोगों के पास? आर वन डिग्री। अगर ये दोनों ही कैसा है? वन डिग्री हम लोगों के पास है। आर एंड आर डैश दोनों ही कैसा है बेटा? वन डिग्री है, ठीक है। तो मैकेनिज्म कैसे होता है उसको मैं लिख रहा हूँ तुम लोगों के सामने बेटा। उसका मैकेनिज्म क्या होगा हम लोगों के पास में? क्या होगा बेटा? आर ओ आर डैश किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे? इसका एच आई के साथ में। तो बेटा तुम लोगों को पता है एच आई क्या करेगा? सबसे पहले एच प्लस और आई माइनस में टूट जाएगा। हम लोगों के पास में क्या होगा बेटा? आर ओ आर डैश, इसके साथ में रिएक्शन किसका हो जाएगा? एच प्लस का। एच प्लस का रिएक्शन होने के बाद में क्या बनेगा? आर ओ आर डैश, और यहाँ पे क्या होगा? एच, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। yes. अब ये बना स्टेप वन में, और स्टेप टू में क्या होगा बेटा? आर ओ आर डैश, यहाँ पे हम लोगों के पास एच पॉजिटिव चार्ज, और इसके अपने कौन रिएक्शन करेगा? आई माइनस। आई माइनस ने किस पे अटैक किया बेटा? आर पे, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कर गया ऑक्सीजन की तरफ। प्रोडक्ट क्या बना हम लोगों के पास? आर आई प्लस आर डैश ओएच, ठीक है बेटा। ये कौन सा रिएक्शन को फॉलो कर रहे हैं? एस एन टू रिएक्शन। किसको फॉलो कर रहे बेटा? SN2 रिएक्शन। अगर हम लोगों के पास दोनों ही कैसा है? वन डिग्री है, तो कौन सा वाला मैकेनिज्म फॉलो होता है? SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा तो I- माइनस वहां पर जाके अटैक करेगा जहां पे बेटा लेस लेस क्राउडेड R होगा, आया ना। किसके पास जाके अटैक करेगा? जो R कैसा होगा? लेस क्राउडेड होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आया ना। जैसे मान लो तुम लोगों ने रिएक्शन किसके साथ में कराया? CH3OC2H5 के साथ में कराया,
किस करेक्शन कराया एच आई का, तो आई माइनस किसके साथ में जाएगा, आई माइनस जाएगा सी एस थ्री के साथ में, क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा सी एस थ्री आई प्लस क्या बनेगा बेटा सी टू एच फाइव ओ एच। मैंने ऐसा कुछ लिखा हो तो मान लो हम लोगों के पास में क्या है सी एस थ्री सी एच टू सी एच टू, ठीक है ना, यहाँ पे भी सी एच टू ओ सी एच टू सी एच, यहाँ पे लगा लिया हम लोग सी एस थ्री सी एच टू सी एस थ्री, ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ सी एस थ्री लगा, दोनों ही वन डिग्री है कि अलग अलग डिग्री के हैं, वन डिग्री ना बेटा, अरे हाँ ना वन डिग्री कैसे पहचान होगा, जो कार्बन ओ एच से ओ से लगा हुआ है उसका डिग्री क्या है वन, इसी पे आगे अटैक होना, इस कार्बन का डिग्री क्या है बेटा वन, कौन सा वाला रिएक्शन फॉलो करेगा SN2, SN2. क्राउडेड कौन सा वाला कम है, ये वाला वन डिग्री कम के ये वाला वन डिग्री कम, ये वाले सी एस थोड़ा दूर प्रेजेंट है, ये वाला सी एस थोड़ा नजदीक प्रेजेंट है, ये वाला लेस क्राउडेड होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो पहले देखना है कि डिग्री क्या है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, पहले क्या देखोगे कि डिग्री है क्या, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा आई माइनस जाएगा सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू आई, ये बनेगा प्लस प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा इसके हाथ में कौन चला जाएगा ओ एच, तो हम लोगों के पास में क्या होगा सी एस थ्री सी एस टू सी एच सी एस थ्री सी एच टू ओ एच, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत इसको समझने में किसी को है क्या, कोई दिक्कत नहीं, पहले तो देखो डिग्री क्या है, अगर वन डिग्री है तो कौन सा वाला मैकेनिज्म फॉलो करेगा बेटा एस एन टू मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है ना, यहाँ तक समझ आया, कॉपी किया सब लोगों ने बेटा, कॉपी किए कि नहीं, लिख लिए, लिखो जल्दी से, फिर हम लोग बात करेंगे अगर ये टू डिग्री और थ्री डिग्री होगा तो हम लोग रिएक्शन कैसे कराएंगे, ऋतिक कहाँ गया, घर पे गाँव गया, टेस्ट में नहीं आया, हो गया सर इतना, लोगों ने सारा नोट किया कि कुछ रह गया, सारा कर लिया, समझ आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आया कुछ समझ, सर ये लास्ट वाला जरा ज़ूम कर दीजिए, अगर हम लोगों के पास क्या कर रहे बेटा, सर ये लास्ट में जो लिखा है ना वो ज़ूम करिए, अरे तुम्हारी वॉइस ठीक से नहीं आ रही है सर, जो ये लास्ट में लिखा है इसे ज़ूम करिए, क्या है सर, हम लोगों के पास R एंड R है, इनमें से वन इज टू डिग्री और थ्री डिग्री, कौन सा बेटा है, इनमें से कोई एक कैसा है टू डिग्री या थ्री डिग्री है, अगर दोनों ही वन डिग्री है तो कौन सा रिएक्शन होता है एस एन टू, अगर कोई भी वन डिग्री है या कैसा है बेटा थ्री डिग्री है, या टू डिग्री या थ्री डिग्री है, दोनों में से कोई भी एक, तो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या हो जाता है बेटा, इट फॉलोज एस एन वन मैकेनिज्म, किसको फॉलो करता है एस एन वन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है, मान लो अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता सी एस थ्री ओ, यहाँ पे लिखा होता सी, इधर हम लोगों के पास सी एस थ्री, तो पहला स्टेप तो रिएक्शन का सेम रहता है, पहले स्टेप में किसके साथ में रिएक्शन करेगा बेटा एच प्लस के साथ में,
एच प्लस के साथ में रिएक्शन करके क्या बनेगा, सी एस थ्री ओ प्लस, यहाँ पे एच, यहाँ सी, यहाँ पे एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल यहाँ पे और तीसरा मिथाइल यहाँ पे, ऐसे कुछ होगा। डर क्या करता है कि इसमें ये जो होगा, क्योंकि इसको यहाँ स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है तो ये बॉन्ड आसानी से इसकी तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। यहाँ बनता है बेटा कार्बोकैटायन सी एम ई, यहाँ पे होता है मिथाइल, यहाँ पे होता है मिथाइल, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज और प्लस में क्या निकल जाता है बेटा सी एस थ्री ओ एच। अब इसके साथ में रिएक्शन किसका होता है, आई माइनस का, इसके साथ में किसका रिएक्शन होगा बेटा, आई माइनस का रिएक्शन होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर टू डिग्री और थ्री डिग्री हम लोगों के पास में है तो आई माइनस उस रिंग के पास में जाएगा जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। किधर जाएगा बेटा, जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहले तो हम लोग बोल रहे थे कि आई माइनस कहाँ जाता है बेटा, आई माइनस आता है उधर जहां पर लेस क्राउडेड होगा। अब क्या बोलेंगे बेटा, आई माइनस उधर जाएगा जिधर से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। इधर से क्या होता है बेटा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, जहां से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उसके पास में जाएगा, ठीक है ना। अगर टू डिग्री या थ्री डिग्री ग्रुप लोगों के पास में, समझ आया मैंने क्या बोला? Yes. इतना कॉपी करो और मैं कुछ रिएक्शंस लिखूंगा, उनके प्रोडक्ट में बताने हैं। तो क्योंकि टू डिग्री थ्री डिग्री केस में क्या होता है, स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है, इस वजह से SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है ना। और वहां कार्बोकैटायन बनना थोड़ा आसान नहीं था। हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट और कार्बोकैटायन दोनों ही एक इंटरमीडिएट स्टेज है। ये भी तो एक इंटरमीडिएट बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेज, और ये भी एक ट्रांजिशन स्टेज जैसे ही है कार्बोकैटायन का बनना, है ना। इन दोनों में का रिलेटिव स्टेबिलिटी, पहले वाले में 1 डिग्री बन रहा था, ज्यादा स्टेबल नहीं बनता था, इससे टूटता नहीं था वो। इस वाले में 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या हो, कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इससे टूट जाएगा आसानी से। समझ गए ना? Yes. नहीं समझे? समझ गए? चलिए देखो, फाइंड द प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। बेटा मैं कुछ रिएक्शन लिखूंगा, उनके प्रोडक्ट तुम्हें बताने हैं। सबसे पहला है सी एस थ्री ओ सी थ्री एच सेवन, चलो ये
इन सब में थोड़ा प्रोडक्ट बताने क्या क्या रहेंगे, ठीक है? लिख लिया सभी ने? सभी का रिएक्शन एचआई के साथ में कराया है। रिएक्शन सभी का किसके साथ में कराया गया है? सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। लिख रहा है कि नहीं? लिख लिया। देखिए चलो, सबका रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे हम लोग? एच आई के साथ में ही कराएंगे, ठीक है ना? इन सबका एच आई के साथ में रिएक्शन। पहले वाले रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताओ। कौन सा वाला मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN2 या SN1? इसमें कौन सा फॉलो करेगा बेटा? SN। चलो मैकेनिज्म की बात छोड़ दो, ये बताओ प्रोडक्ट क्या बना। यह बनेगा CH3I प्लस C3H7OH। समझ में आ रहा है सभी को? किसी को दिक्कत तो नहीं इसको समझने में? क्योंकि दोनों तरफ वन डिग्री लगा हुआ है, ठीक है ना? मैं लीनियर लिखा हूँ उसको। यहाँ बताओ बेटा इसमें क्या होगा, इसमें I माइनस किसके पास में जाएगा? टू डिग्री वाले टू डिग्री के पास में कि CH3 के पास में? टू डिग्री वाले। I माइनस किसके साथ में जाएगा सर? टू डिग्री वाले। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा बेटा? SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। यहाँ चला जाएगा I प्लस क्या होगा बेटा? CH3 होगा। यहाँ पे भी सेम होगा, किसके साथ में जाएगा बेटा? थ्री डिग्री के पास में। यहाँ पे आएगा आई प्लस क्या निकल जाएगा बेटा? CH3OH। इस रिएक्शन में बताओ क्या होगा? आई जो होगा वो CH3 के पास में जाएगा कि बेंजीन के पास? फिनाइल के पास में जाएगा कि CH3 के पास में? बताओ तो। CH3 के पास जाएगा। तुम बताओ यहाँ CH3 के पास। CH3 खुशबू सर फिनाइल के पास जाएगा। सर फिनाइल के पास जाएगा। चलो फिर बेटा देखो, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा क्या? ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो टूटेगा ही नहीं। फिनाइल के पास कैसे चला जाएगा ये बॉन्ड? कैसे बेटा पार्शियल डबल में टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। टूटेगा ही नहीं तो फिनाइल के पास कैसे जाएगा? फिनाइल के पास नहीं जाएगा बेटा। एक तो बनेगा फिनॉल और क्या निकल जाएगा? CH3। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें बताओ बेटा, इसमें भी सेम ही होगा। यहाँ पे ये बॉन्ड कैसा होगा? ये पार्शियल डबल बॉन्ड। टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। पार्शियल डबल बॉन्ड है, नहीं टूटेगा। क्या बनेगा हम लोगों के पास? यहाँ आएगा OH प्लस ऐसा कुछ। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? आयोडीन। नीचे वाले रिएक्शन में किधर ऐड करें आयोडीन को? इसका रिएक्शन अगर हम लोग SI के साथ में कराएंगे तो कहाँ ऐड होगा? देखो ये वाला भी हो सकता क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तो रेजोनेंस करेगा ना इसका लोन पेयर इसके साथ में। ये बॉन्ड कैसा होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे हम लोग, है ना? ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो हम लोग उस बॉन्ड को तो ऐसे रखेंगे जैसा था। क्या होगा बेटा? यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा आई, ऐसे है ना? यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आ जाएगा आई, ठीक है? ऐसा कुछ। समझ आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये समझना कि हम लोग पीएच और ओ बॉन्ड को कभी नहीं तोड़ेंगे बेटा। पीएच और ओ बॉन्ड में एक ऐसा होता है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, ये कभी नहीं तोड़ेंगे। स्टेरिकनेस ये ऐसा क्यों रहेगा बेटा? ये तो साइक्लिक कंपाउंड हो गया, नहीं समझे? ये जो तुम बता रहे हो रिंग थोड़ी है जो इसके पास में ही रहेगा। ये कौन सी वाली पोजीशन पे है? यहाँ से 1 2 3 4 5 साइक्लिक होता तो फिर इसका रिकिंग हम लोग मानते। वैसे भी OH पे ऐसे यार इफेक्ट नहीं लगता, ठीक है? तो ये समझो कि पीएच और ओ का बॉन्ड हम लोग कभी नहीं तोड़ेंगे बेटा। सबसे पहली कहानी क्यों नहीं तोड़ेंगे? क्यों नहीं तोड़ेंगे बेटा? क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। और दूसरा, अगर पीएच पे पॉजिटिव आएगा तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। मान लो कि अगर तुम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज गलती से यहाँ पे बना दिया तो क्या ये स्टेबल पॉजिटिव चार्ज है? अरे क्या ये स्टेबल है? नहीं। क्यों स्टेबल नहीं है?
क्योंकि एक तो ये रेजोनेंस नहीं करता, रेजोनेंस नहीं, दूसरा किस पे प्रेजेंट है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे प्रेजेंट है। sp2 मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आएगा तो कम स्टेबल ही रहेगा ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नीचे वाले रिएक्शन का बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा? इस रिएक्शन में आई किस साथ में जाएगा? CH3 के साथ में जाएगा। देखिए सर, अब सोचो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज हाईली स्टेबल, ये वाला जो है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पॉजिटिव चार्ज कैसा हो गया? हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है तो यहाँ ये फॉलो करेगा कौन सा मैकेनिज्म? SN1। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा बेटा प्रोडक्ट? यहाँ प्रोडक्ट बनेगा आप लोगों के पास CH2 और यहाँ पे क्या आएगा? I प्लस निकल जाएगा CH3OH। ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब पीएच के जस्ट बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि बेटा ये कैसा कहूंगा, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये वाला पॉजिटिव चार्ज कैसा होगा बेटा? दिस पॉजिटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है बेटा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो आसानी से होगा रिएक्शन, तो फिर कार्बन का टाइम बनेगा। इसमें बताओ बेटा, इसमें CH3 पर ऐड होगा आई। आई किस पे आएगा बेटा? देखो ये वाला बॉन्ड तो हम लोग तोड़ नहीं सकते, ये बॉन्ड तोड़ने पे यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और ब्रिजेट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ब्रिजेट पे कभी पॉजिटिव नहीं आता, ब्रिजेट पे पॉजिटिव नहीं आता तो हम लोग कौन सा वाला बॉन्ड तोड़ेंगे? ये वाला बॉन्ड तोड़ के आई जो जाएगा वो किसके साथ में जाएगा बेटा? CH3 के साथ में, तो यहाँ बनेगा CH3I। ठीक है ना, प्लस में ऐसा कुछ यहाँ पे आ जाएगा बेटा OH। ठीक है, इसमें बताओ इसमें क्या बनेगा? इसमें क्या होगा? इसमें हम लोग किसके हाथ में ले जाएं बेटा? आई को HI के हाथ में रिएक्शन करा रहे हैं, HI के हाथ में रिएक्शन कराने पर आई किसके पास में जाएगा, किधर जाएगा आई? बेंजीन के पास। देखो ये बॉन्ड तोड़ सकते हैं क्या? नहीं। ये वाला बॉन्ड तोड़ सकते हैं क्या? नहीं। इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। इसमें बताओ किसके पास जाएगा बेटा आई? तीन मेंबर के पास के पांच मेंबर के पास? सर तीन मेंबर के पास। देखो अगर यहाँ पॉजिटिव आएगा तो दिस इज एरोमेटिक विद 2π इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रहे हैं? यस। अगर यहाँ पॉजिटिव आएगा इट इज एंटी एरोमेटिक विद 4π इलेक्ट्रॉन्स। अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। बेटा पॉजिटिव चार्ज किससे बनाओगे तुम लोग? तीन मेंबर के रिंग पे, तीन मेंबर के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज लेके आना, ज्यादा स्टेबल। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा बेटा आयोडीन प्लस पांच मेंबर के रिंग के पास में क्या बनेगा? एल्कोहल OH ग्रुप। बेटा कहानी हुई है जो पीछे एक बार पढ़ा दिए तुमने, उसको चेंज थोड़ी कर रहे हो। समझ आया कुछ या नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसको समझने में? आ बताओ बेटा, नीचे वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट बताएगा कोई? ये सर, ये जो लेफ्ट वाला है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके पास OH जाएगा और उसके पास तीन कार्बन वाले के पास जाएगा OH। नहीं सर, तीन कार्बन वाले के पास आई जाएगा। हाँ, ये तो समझ रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव आएगा, या पॉजिटिव आएगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ज्यादा स्टेबल, तो आई जाएगा इसके पास में और ये बॉन्ड टूटेगा इधर से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? रहा है ना? देखो बेटा, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक से समझना इसको। तुम लोगों ने अभी तक जो बताया वो सब सही बताया है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे ना? प्लस प्लस क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे बनेगा CH2, इधर क्या आएगा आई, क्या होगा CH डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों प्रोडक्ट बना दिए। देखो क्या यही दोनों फाइनल प्रोडक्ट है इस रिएक्शन के, या कुछ और भी हो सकता है अभी? ये CH2 CHOH CH2 CH3 CH2 रेजोनेंस हो सकता है उसमें, रेजोनेंस की बात नहीं कर रहा बेटा। देखो ये बेटा कौन सा फॉर्म है? ये इनॉल फॉर्म है,
इनॉल फॉर्म है, दैट इज इनॉल फॉर्म जो होता है वो कैसा होता है, वन स्टेबल होता है, और टोटोमराइज करके क्या देगा, ये क्या दे देगा, CH3CHO। कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? इनॉल फॉर्म से किसमें कन्वर्ट होगा, कीटो में। इनॉल फॉर्म कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है, नियरली 0%, ऐसे होता है कि नहीं होता? इनॉल फॉर्म तो बहुत कम बनता है ना, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बेटा ये तुरंत प्रोटोमराइज करके देगा, तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस आर दिस टू, ये दो हैं। तो थोड़ा थोड़ा सारी चीजों को याद रखना जो पढ़े हैं तुम लोग, ठीक है ना? कॉपी कर लो इसको जल्दी से। समझ गए यहाँ तक? अरे समझ गए या नहीं? यस। दिक्कत तो नहीं आता? यस। क्लियर है सबको? नेक्स्ट लिखो बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। इन एटाइक साथ में रिएक्शन करवाए बेटा, दूसरा रिएक्शन कैसा होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। हाइड्रोलिसिस ऑफ इधर में हम लोग क्या करेंगे, इधर क्या होगा हम लोगों के पास आर ओ आर है ना, किसके साथ में रिएक्शन करवाओगे बेटा, वाटर एच प्लस, समझ आ रहे में क्या बोल रहा हूँ, एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ में रिएक्शन। बेटा प्रोडक्ट तो सेवी बनना है, हम लोगों के पास आर ओ आर डैश हो तो भी क्या बनेगा बेटा, आर ओ एच बनेगा प्लस आर डैश ओ एच बनेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कहाँ ओ एच कट करना है कहाँ नहीं करना, समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, बनता दोनों ही अल्कोहल है। तो बस इतना याद रखना है कि अगर बोथ आर एंड आर डैश कैसा है बेटा, 1 डिग्री है, तो कौन सा रिएक्शन फॉलो होगा, SN2। इफ एनी वन इज एनी ऑफ आर एंड आर डैश इज 2 डिग्री और 3 डिग्री, मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करते हैं बेटा, SN1, ठीक है ना? तो दोनों ही केस में रिएक्शन में बनता है अल्कोहल ही, बाकी इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, कहाँ कैसे ऐड होगा वो तो करा ही सकते हैं, आसान दोनों तरफ ओएच ओएच ऐड करना होता है, तो बेसिक रिएक्शन है ये हाइड्रोलिसिस वाला। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन हो गया ना, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है सब्स्टिट्यूशन समझने में? नेक्स्ट लिखो बेटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट क्या लिखोगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है ना बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग कई तरीके का कराएंगे, वैसे E1 E2 बेसिक तुम लोग दो तो पढ़ोगे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या लिखोगे बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में तुम लोग जनरली दो रिएक्शन पढ़ोगे, E1 एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन, ठीक है? एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा हम लोगों के पास, ऐसा कुछ रहेगा, सी हम लोगों के पास में, मान लो यहाँ पे हम लोगों के पास एच है और यहाँ पे क्या है बेटा, कोई लिविंग ग्रुप है ना। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बेस के साथ में ट्रीट करेंगे, बी माइनस के साथ में, बेस के साथ में, ठीक है? बेस के साथ में ट्रीट करने पे क्या होता है, यहाँ पे बनेगा कुछ ऐसा सी डबल बॉन्ड प्लस क्या निकल जाएगा बेटा, एच बी प्लस का निकल जाता है एल माइनस, ठीक है? तो यहाँ से क्या क्या एलिमिनेट करा दिए हम लोग, एच और एल एलिमिनेट करा दिए। जनरली एलिमिनेशन कैसा होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, उल्टा लिख दिया अल्फा बीटा को, अल्फा पोजीशन से कौन जाता है बेटा, लिविंग ग्रुप जाता है, और बीटा पोजीशन से कौन जाता है, हाइड्रोजन, ठीक है ना? तो ऐसे रिएक्शन तुम लोग क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बेसिकली तुम लोग दो तरीके का एलिमिनेशन पढ़ोगे, एक कौन सा एलिमिनेशन E1 और दूसरा क्या पढ़ोगे E2। E1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, E2 मतलब सेकेंड ऑर्डर एलिमिनेशन, ठीक है? एलिमिनेशन तो समझते हो ना, कोई स्मॉल मॉलिक्यूल
किसी भी कंपाउंड से एलिमिनेट कर दिया हम लोग, किसी कार्बन कंपाउंड से क्या कर दिया, स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेट कर दिया, बट एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल, समझ आ रहा है मैं क्या बोला? Who would you like to call? पहला रिएक्शन देखो, ईवन एलिमिनेशन, पहला लिखोगे बेटा ईवन एलिमिनेशन, पहला रिएक्शन क्या लिखोगे बेटा ईवन एलिमिनेशन। अब ठीक से समझना मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इवन एलिमिनेशन तुम लोगों को देखेगा किसके जैसा हो रहा है, एसएन वन के जैसा, बिल्कुल जैसा एसएन वन का मैकेनिज्म होता था ऐसे ही किसका होता है, एज इट इज इवन का भी रहता है, ठीक है ना। इवन एलिमिनेशन में क्या करेंगे, हम लोगों के पास कार्बन बेटा यहाँ पे एक एच या दूसरा कार्बन, इसमें क्या होगा एक लिविंग ग्रुप, ठीक है, इस पे क्या लगा हुआ है लिविंग ग्रुप, तुम लोग किसके साथ में रिएक्शन करवाए, बी माइनस के साथ में, क्या बनेगा सी डबल बॉन्ड सी, समझ में आया मैं क्या बोला, प्लस क्या निकल जाएगा एच बी, प्लस क्या होगा लिविंग ग्रुप, ठीक है। अगर इस रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म डील करूं बेटा तो मैकेनिज्म कैसा होगा हम लोगों के पास में, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये हम लोगों के पास थी, ठीक है, यहां पे क्या है बेटा एक एच या सी ऐसा कुछ या लिविंग ग्रुप, सबसे पहले स्टेप में क्या करता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, यहां से क्या निकल जाएगा बट एच प्लस, यहां क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के नेगेटिव, एच प्लस निकल जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब क्या कर रहे हैं बेटा तुम लोग, नेगेटिव लाएंगे पॉजिटिव, नेगेटिव आ जाएगा, कैसे आया बेटा पॉजिटिव चार्ज, बताओ पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, एक्स प्लस निकल जाएगा अपने आप से, एक्स प्लस निकल जाएगा अपने आप से, देखो पहले स्टेप में क्या होता है हम लोगों के पास थी, यहाँ पे क्या होगा एक लिविंग ग्रुप, तो वो क्या करेगा बेटा लिविंग ग्रुप निकल जाता है, ठीक है, तो लिविंग ग्रुप के निकलने से चार्ज कैसा आएगा, या पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्या होगा एल माइनस का निकलना, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ऐसा कुछ था, पहले याद करो एसएन वन रिएक्शन कैसा था, हम लोग पास आर लिविंग ग्रुप था, हाँ या ना, कुछ आना तो बोलो पहले, एसएन वन रिएक्शन कैसा होता था, आर लिविंग ग्रुप होता था, वो क्या बनता था बेटा आर प्लस, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या करता था बेटा वो आर प्लस में कन्वर्ट होता था और क्या निकल जाता था उसके अंदर से एल माइनस, वो सेम रिएक्शन यहाँ पे भी है, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन होगा बेटा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, तो कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के लिए जो एल होगा वो कैसा होना चाहिए, दैट इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, कैसा होना चाहिए गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, जो आसानी से निकल जाए, जैसे उसको मीडियम मिला, जैसे मीडियम मिलेगा तुरंत निकल जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले स्टेप में क्या होता है बेटा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, और यही क्या होता है रिएक्शन का आरडीएस होता है, दिस इज द आरडीएस ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, ये कैसा होता है बेटा आरडीएस ऑफ द रिएक्शन होता है, पहले स्टेप में क्या करेगा लिविंग ग्रुप निकल जाते हैं विच इज द आरडीएस ऑफ द रिएक्शन, रेट किसके इक्वल होगा बेटा, रेट विल बी इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर वन, ऑर्डर कितना हो गया बेटा इसका फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं हम लोग इवन एलिमिनेशन रिएक्शन, इसी वजह से क्या बोलते हैं इनको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, ऑर्डर क्या बेटा इसका वन है। दूसरी बात ये कि कार्बोकैटायन बना, जिस स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा है वही क्या इस रिएक्शन का आरडीएस है, मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन फॉर्म, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना ज्यादा क्या रहता है बेटा इसका रेट रहता है, कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा कि नहीं, रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है,
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तीसरी बात ये कि बेटा इस रिएक्शन में सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, ये सिग्मा टूटा और क्या बना लिया इसने, पाई बनाया। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट के कैसा बॉन्ड बना, वीक बॉन्ड बना। तो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गया कि एग्जोथर्मिक हो गया? रिएक्शन कैसा होता है बेटा, एंडोथर्मिक। डेल्टा एस कैसा रहता है इस रिएक्शन का पॉजिटिव। टेम्परेचर कैसा चाहिए बेटा, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। समझ आ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, रिएक्शन को करने के लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। यही कंडीशन है कि जो इसको SN1 से अलग करेगी। SN1 रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होता है और E1 रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होता है। सेम हम लोगों के पास रिएक्टेंट हो, उस सेम रिएक्टेंट को हम लोग लो टेम्परेचर पे ट्रीट करा दे तो उसमें क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वही रिएक्टेंट हम लोग क्या कर दें बेटा, हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करा दे तो क्या हो जाएगा उसमें, एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes. यही डिफरेंस होता है बस रिएक्शन का मैकेनिज्म से। मैं पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनने के बाद में क्या करेगा, बी माइनस इस पर रिएक्शन कर लेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि आपसे एच प्लस निकल जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बेस हम लोग लिए बेटा, तो बेस क्या करेगा इस एच के साथ में रिएक्शन कर लेगा। यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या होगा बेटा, बेस बी माइनस इसके साथ में अटैक करके ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्या बनेगा बेटा, सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और प्लस क्या निकल जाएगा बेटा, प्लस एच बी निकल जाएगा सेकंड स्टेप। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? थोड़े यहाँ पे बी माइनस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वीक होना चाहिए? जो बेस हम लोग लेंगे वो कैसा रहेगा यहाँ पे, वीक बेस। कैसा रहेगा बेटा, वीक बेस इज प्रेफर्ड। वीक बेस क्यों प्रेफर करते हैं बेटा, वीक बेस इसलिए प्रेफर करते हैं कि वो कार्बोकैटायन के बनने का वेट करे। अगर स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो फिर वो कैसा फॉलो करेगा, वो E1 नहीं वो E2 फॉलो करेगा। समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो क्या कर लेगा, यहाँ तुरंत अटैक मारेगा, इससे मारेगा कि नहीं मारेगा, वो कार्बोकैटायन के बनने का इंतजार करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा ना। तो हम लोग ऐसा बेस लेंगे जो कार्बोकैटायन के बनने तक का वेट करे, जब तक कार्बोकैटायन बनेगा तब तक वो अटैक नहीं करेगा, कार्बोकैटायन के बनने के बाद में अटैक करेगा। तो बेटा स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे वो तुरंत अटैक मार देगा, हम लोग क्या लेते हैं इसमें, वीक बेस लेते हैं। ठीक है ना, वीक बेस इज प्रेफर्ड यहाँ पे। अगर E2 रिएक्शन होगा तो हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस प्रेफर करेंगे, वो इस पर अटैक मारेगा, तभी रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पे बी माइनस इस स्टेप में यूज होगा, तो कैसा ऑर्डर हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन में क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ, एल्कीन बना, एल्कीन कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, एल्कीन बनने का पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तुम लोगों के पास क्या बनेगा, एक तो सेटजफ एल्कीन बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा हॉफमैन, विच इज मोर स्टेबल, सेटजफ इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है ना, इस रिएक्शन में सेटजफ कैसा होगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट होता है। इट इज क्लियर मैं क्या बोला, समझ आया तुम लोगों को या नहीं? ठीक है, इस रिएक्शन में कौन मेजर प्रोडक्ट होता है बेटा, सेटजफ इज द मेजर प्रोडक्ट। तो बेसिक समझ में आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, इस रिएक्शन में क्या क्या होगा, देखो पहले कॉपी करो फिर मैं समझाता हूँ इसको ठीक से। कॉपी हुआ यहाँ तक का कहानी? यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। चलो बेटा देखो, SN1 रिएक्शन बताओ क्या रहता है। SN1 और E1 का मैं थोड़ा कंपैरिजन कर लेता हूँ, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। SN1 में जो बेस था वो स्ट्रॉन्ग चाहिए या वीक चाहिए बताओ, बेस जो बेस था वो कैसा चाहिए था, यहाँ भी वीक चाहिए था क्योंकि वो कार्बोकैटायन के बनने का वेट करे, यहाँ पे भी कैसा चाहिए था, वीक चाहिए था। सुन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इनका ऑर्डर क्या होता है बेटा, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो इनका ऑर्डर भी वन है, इनका ऑर्डर भी वन है, या पे भी कार्बोकैटायन बनता है, या पे भी कार्बोकैटायन बनता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर बात करो इन दोनों में सॉल्वेंट कैसा चाहिए, तो सॉल्वेंट दोनों को कैसा चाहिए बेटा, प्रोटिक। प्रोटिक क्यों चाहिए बेटा, प्रोटिक चाहिए ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक क्यों चाहिए, क्योंकि आयंस बनेंगे, आयंस को स्टेबिलाईज करने के लिए पोलर प्रोटिक चाहिए।
समझ आ रहा नहीं आ रहा? और डिफरेंस किसका होता है बेटा? टेम्परेचर का। SN1 रिएक्शन को करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए था बेटा? लो टेम्परेचर। और E1 रिएक्शन को करने के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर इज कैसा होगा बेटा? ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर यहाँ पे कैसा होगा? लेस देन इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, 25 से कम। अगर टेम्परेचर इनके बीच का रहता है, टेम्परेचर कैसा रहता है बेटा? 25 से ज्यादा टेम्परेचर और 50 से कम है, तो यहाँ पर दोनों होते हैं बेटा, E1 भी होता है एंड SN1 रिएक्शन भी होता है, दोनों रिएक्शन होते हैं, बोथ रिएक्शन टेक प्लेस। एल्किन भी बनता है और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी बनता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो क्लियरली अगर तुम्हें डेल्टा लगा के दे दे तो तुम्हें समझना हाई टेम्परेचर की बात करें, या स्पेसिफिकली टेम्परेचर मेंशन ना करे तब तक ये रिएक्शन मत कराना दोनों। अगर कुछ ना लिखे, मान लो उसने टेम्परेचर लिखा ही ना, तो तुम लोग क्या समझोगे कि हम लोगों को क्या कराना है? SN1 कराना है। हीट का साइन बना दे तो क्या कराएंगे उसमें? एलिमिनेशन करवाएंगे। मे बी टेम्परेचर मेंशन करेगा तो हम लोग फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो बेसिक डिफरेंस ये होता है दोनों रिएक्शन में, बाकी मैकेनिज्म बेस पे कोई भी डिफरेंस नहीं होता। SN1 में भी कार्बोकैटायन बनता है, E1 में भी कार्बोकैटायन बनता है, दोनों को वीक बेस चाहिए, दोनों को पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट चाहिए, दोनों का ऑर्डर 1 रहता है, सारी चीजें सेम है, बस डिफरेंसेस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसी रिएक्शन में क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। टेम्परेचर कम कर देंगे उसी रिएक्शन में क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं रेट की बात करूँ दोनों के केस में, तो रेट किसका ज्यादा होगा बेटा? कार्बोकैटायन पर डिपेंड करके 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। यहाँ पे भी रेट क्या रहेगा बेटा? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। बहुत दोनों के केस में कैसा चाहिए बेटा? दोनों ही चाहते हैं गुड लिविंग ग्रुप हो। उन्हें चाहते कैसा हो? गुड लिविंग ग्रुप। ये भी क्या चाहता है? कैसा हो? गुड लिविंग ग्रुप। बाकी सारी कहानी दोनों के केस में सेम है, ठीक है? बाकी जो कहानी हम लोग लिख रहे हैं वो सब सेम है, बस डिफरेंस किसका है? ओनली ऑफ टेम्परेचर। लो टेम्परेचर कौन सा रिएक्शन बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाई टेम्परेचर कौन सा रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन। समझते कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है किसी को? मैं कुछ लिख रहा हूँ बेटा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। सर वो आप सेट से बता रहे थे, वो नहीं बताया। क्या करो बेटा? वो आप सेट से हॉफमैन एल्किन बता रहे थे ना आपने, वो बताया नहीं। सेट से एल्किन नहीं जानते तुम क्या रहता है? सेटजेफ तो पता है, हॉफमैन नहीं पता सर। तो वही बोल रहा था, सेटजेफ एल्किन दोनों में कैसा रहेगा मेजर प्रोडक्ट? जो एल्किन होगा अभी यहाँ से समझ में आ जाएगा कौन मेजर, कौन सा सेटजेफ है, कौन सा वाला हॉफमैन है। मैं जो रिएक्शन लिख रहा हूँ इनसे, ठीक है? सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए। क्या नहीं दिख रहा बेटा तुम्हें? तो ब्लर दिख रहा है सर, आपका नेटवर्क खराब है, रेड साइन आ रहा है। ब्लर दिख रहा है, जूम तो थोड़ी दिखेगा बेटा वो ब्लर, और वो सही वो तो इंटरनेट से दिखेगा ना, जूम का क्या मतलब उससे? ना छोटा छोटा दिख रहा है। छोटा तो बेटा नहीं दिख रहा अभी। बताओ बेटा इन प्रोडक्ट क्या क्या बने?
लिख लिया सर? यस सर। नहीं लिखे? लिखिए सर। पहले वाले का आंसर बताओ। एल्किन बनेगा बेटा, है ना? ब्यूटेन बेटा। दो तरीके का पॉसिबल, एक ए बन सकता है और एक ए बन सकता है। कौन सा वाला षटजक प्रोडक्ट है? फर्स्ट वाला। ये वाला षटजक है और ये कौन सा वाला है बेटा? ये ऑफ मैन प्रोडक्ट है। ऑफ मैन। तो कौन सा वाला मेजर होगा? षटजक प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है। ये कैसा होगा बेटा? माइनर। बाकी बना सकते हो दूसरे वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ, कौन बताएगा? देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ऐसा कुछ पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा? इधर से ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज है बेटा। कितना अल्फा है इसके पास में अभी है ये बताओ? दो, चार और एक पांच। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो अल्फा कार्बन है। अगर तुम लोग घुमा के इसको कहाँ ले जाओ? यहाँ ले जाओ पॉजिटिव चार्ज को, तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कितने अल्फा हैट हो गए बेटा यहाँ पे? तीन, छह और एक यहाँ पे सात। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो वहां अगर ये चला गया तो इसका स्टेबल होने का टेंडेंसी और बढ़ गया। यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। पांच मेंबर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? छह मेंबर करेंगे। अच्छे नंबर के रिंग में कन्वर्ट हो गया तो बेटा क्या होगा अभी? क्या इससे ज्यादा स्टेबल हो सकता है? यस सर। किसको शिफ्ट करा के? मिथाइल को शिफ्ट करा के। तो कितना रीअरेंजमेंट कराते जा रहे हैं वो तुम लोगों को देखना है बेटा। ये पहले हम करा दिए सब रीअरेंजमेंट वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, कितना रीअरेंजमेंट कराना है। अब इसके बाद में क्या बना सकते हैं तुम लोग? दो पॉसिबिलिटी है, एक एल्कीन इधर और एक एल्कीन इधर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जो होगा वो कैसा रहेगा? मेजर प्रोडक्ट षटजक प्रोडक्ट है, दिस इज अ माइनर प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट है। ठीक है ना? यस। कॉपी करो इसको। समझ आया? ये सब नहीं आया तुम लोगों को? इसके नेक्स्ट वाला रिएक्शन तो मेरे ख्याल से सेम ही है। प्रोडक्ट तो उसके सेम ही मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सेम प्रोडक्ट। यस सेम। इसका नेक्स्ट रिएक्शन में देखो सेम ही तो है बेटा। देखो यहाँ पर डायरेक्टली पॉजिटिव उधर ही आ रहा है। यस। तो इसमें से कार्बोकैटायन कौन सा वाला बनेगा? ये वाला। पांच मेंबर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। समझ आया या नहीं आया? इसमें बताओ बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो देखो यहाँ कुछ रीअरेंजमेंट होना नहीं है। यहाँ आया पॉजिटिव, बस एल्किन बनाना है। तो मेरे ख्याल से ये जो होगा यह ऐसा था बेटा, यहाँ पे ऐसा डबल बॉन्ड आएगा ना। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। बाकी एक तरफ इधर भी लगा सकते हो तुम लोग, यहाँ पे यहाँ बनाओ वो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें बताओ ये करा लोगे बेटा? यहाँ बी आर पहले कहाँ पे? बी आर को हटा के पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। अब क्या कुछ इसका कराएंगे बेटा? बिल्कुल कराएंगे रीअरेंजमेंट, यहाँ ले जाएंगे। अब क्या करेंगे बेटा? अब बनाएंगे एल्कीन। अब बेटा एल्कीन तो कहीं भी बना लो। तो रिएक्शन लग रहा होगा सब मिलते जुलते हैं एक दूसरे से ना। ज्यादातर रिएक्शन ऐसे ही चलेंगे बेटा। देखिए सर ये हो गया।
इसमें कर लोगे? यस। ये बीआर टूटेगा कि नहीं टूटेगा? रेजोनेंस तो नहीं कर रहा? नहीं टूट जाएगा तो रेजोनेंस में सिग्मा सिग्मा पाई है ना, सिग्मा के साथ में देखो ये सिग्मा, ये भी सिग्मा तब पाई है तो रेजोनेंस थोड़ी नहीं करेगा, रेजोनेंस तो करेगा नहीं, टूट जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इससे ना, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब तुम लोग यहाँ से बड़ा डबल बॉन्ड किधर लगाओगे? एक तो इधर, ये स्टेबल रहेगा, कंजुगेटेड है ना, वैसे आने को तो एक ये भी आ सकता था ऐसा, लेकिन ये क्यूमुलेटेड होता और एक क्यूमुलेटेड कैसा होता है, सबसे कम स्टेबल होता है, मतलब ना कंजुगेटेड देन आइसोलेटेड देन क्यूमुलेटेड है ना, क्यूमुलेटेड के पास सबसे कम अल्फा एच होते हैं, ये तो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, बनने का पॉसिबिलिटी ये भी है लेकिन इट विल बी द माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट क्योंकि वो कंजुगेटेड एल्कीन है। ठीक है, क्यूमुलेटेड इवन में क्या होता है, अनस्टेबल नहीं होता बेटा, इवन में तो क्या बोलते हैं, जीआई नहीं शो करता, क्योंकि मैट्रिकल आइसोमर की बात आती है तो इवन में शो नहीं करता, ऑड में शो करता। ठीक है, अनस्टेबल मतलब हाँ, लेकिन ये बोल सकते हो कि इवन हो या ऑड हो, लीस्ट स्टेबल फॉर्म होगा, कैसा होगा, लीस्ट स्टेबल। ठीक है, यहां बताओ इसमें, इसमें तो कर ही लोगे, पहले पांच मेंबर का रिंग, फिर छह मेंबर का रिंग और फिर एल्कीन। ठीक है, चलो बेटा इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे E2 रिएक्शन एंड सो ऑन। ठीक है, तो फिजिक्स की क्लास नहीं है ना? नहीं बेटा आज नहीं।